हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ओरकट 11G को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। तो इसका फुल प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ओरकट डाउनलोड। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, इसके बाद इसका फर्स्ट लिंक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है और करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओरकट सोलारिस के लिए, अगर सोलारिस के लिए अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद से यहाँ पे डाउनलोड और जिप फाइल यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर अलग अलग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद से आपको यहाँ से सबसे नीचे आ जाना और यहाँ पे लिखा है ओरकट डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला है विंडोज़ के लिए, आपको विंडोज़ के, अगर आपका विंडोज़ है तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर विंडोज 64 बिट का है तो फर्स्ट वाले को करना है, 32 बिट का है नीचे वाले को, और लिनक्स का है तो सबसे लास्ट वाले को डाउनलोड करना है। फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट करेंगे और इसके बाद से डाउनलोड के बटन पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद से हमें यहाँ पे पहले आपको साइन अप और लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम देख लेते हैं तो हमें एक न्यू पेज पे यहाँ पर रिडायरेक्ट करा देगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा Oracle पे। तो आपको Oracle के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर पहले से अकाउंट है तो आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगर कोई अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा कोई अकाउंट अभी नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया और उसके बाद से यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। इसमें सारा डिटेल्स, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, तो ईमेल आईडी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना है, अगर वीक पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड कर देना है और बाकी सारा जो डिटेल है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट, मेरी जो कंट्री है वो इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अपना नेम यहाँ पे लिख देना है और जॉब टाइटल इंडिविजुअल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्क फोन नंबर यहाँ पे लिख देंगे, कंपनी का नेम यहाँ पे इंडिविजुअल कर सकते हैं, जो एड्रेस है एड्रेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जस्ट क्लिक कर देना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद से चेक योर ईमेल, आपको मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन का एक मैसेज चला जाएगा। आपको उस मेल आईडी को आपको क्लिक कर देना है और इसको कंफर्म कर लेना है, यानी कि वेरीफाई कर लेना है। तो मैंने उसको कर लिया अपने फ़ोन में। इसको करने के बाद अब आपको इसके यहाँ पे बैक जाएंगे और यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाएंगे, अकाउंट साइन इन वाले पेज पे। इसको उसी मेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने साइन इन किया। जैसे आप यहाँ पे साइन इन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से जो डाउनलोड था यहाँ पर डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट का जो है यहाँ पे आ गया ऑप्शन। फिर यहाँ पे ब्राउज करके इसका जो लोकेशन है, लोकेशन हम चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे भी जितने भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं उसको हम एक फ़ोल्डर में रखते हैं। तो मैंने एक दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और इसी के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर नेम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसी फोल्डर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं इसी में रखते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने के बाद इसको हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको इसकी जो साइज़ है 316 यानी 316 MB की जो फाइल है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, नेट अच्छी रहेगी तो अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो गई फाइल और यहाँ से इसको ओपन फोल्डर पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इस ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर राइट क्लिक कर लेना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस जिप फाइल को। तो इसको विंडार सॉफ्टवेयर से यहाँ पे जिप किया जाता है, तो विंडार सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। इसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर इस फाइल को यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो फाइल है तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारी जो फाइल है। तो मेरी जो फाइल है यहाँ पे जिप फाइल थी, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आ गया फाइल। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको सेटअप डॉट exe की एक फ़ाइल मिल जाएगी। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ये जो सेटअप है यही हमारा exe फाइल है, इसी को हमें इंस्टॉल करना है। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, एस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड का।
और उसके बाद यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस पे टिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद से जो यहाँ पे लोकेशन है, तो सबसे पहले आप इसका जो लोकेशन आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर ये लोकेशन बन के जाएगा। तो सी ड्राइव के अंदर अगर सारे लोकेशन जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा भर जाता है आपका सी ड्राइव, जिससे कि लैपटॉप स्लो हो जाता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप दूसरे ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उसी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर के जो भी फाइल्स हैं उसमें रखिए। तो मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं। तो डी ड्राइव को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक मैंने दिस पीसी या फिर माय कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाएंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। और इसका जो नेम है तो यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं ऑरकल ईएक्सई, कोई भी नेम आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक कर देना है और जो भी नेम आपने वहाँ पे दिया था उसी नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको डी ड्राइव के अंदर मैंने बनाया हुआ है, तो डी ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया और ये रहा हमारा ओरकल ईएक्सई। जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद से जो लोकेशन है यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और जो भी आप फाइल्स डाउनलोड होंगे सारी फाइल्स उसी के अंदर डाउनलोड होगा। फिर आपको यहाँ पे इंटर पासवर्ड, आपको पासवर्ड इंटर करना है और इसके बाद से कंफर्म पासवर्ड इंटर करना है। तो जो हमने डाउनलोड करते टाइम जो पासवर्ड हमने यहाँ पे ऐड किया था वही पासवर्ड हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो इस पासवर्ड को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लाइक लिख दिया, पासवर्ड मैंने कर दिया बूट, तो कोई भी पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैंने BOOT दोनों में लिख दिया, नीचे भी BOOT, कोई भी पासवर्ड आप लिखिए उसका नाम आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे हमें इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और सारी जो पैकेज होगी सारी पैकेज और फाइल्स और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट कर लेंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, ये आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। नेट की स्पीड अच्छी रहेगी तो यहाँ पे जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा पॉज किया है और पॉज करने के बाद हम यहाँ से इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉलेशन होने में अप्रॉक्स 10 से 20 मिनट भी लग सकता है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट क्रिएट हो गया। इसको ओपन किया फिर यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इस एरर को हमें रिजॉल्व करना है। तो जैसे ही शॉर्टकट यानी कि जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक एरर शो हो गया आएगा। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पे आपको डी ड्राइव के अंदर मैंने उसको रखा हुआ था फाइल्स को, तो ये रहा हमारा ओरकल ईएक्सई फाइल, इसी के अंदर मैंने सारी फाइल्स रखी हुई है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी प्रोडक्ट का, इसको ओपन करेंगे और इसको ये सारी फाइल्स को यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे URL है, तो URL में यहाँ पे हमें चेंजिंग करना है। जो ये सब पार्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये इसको हमने यहाँ से रिमूव किया, तो इतने पार्ट को हमें यहाँ से रिमूव करना है। जस्ट इसको हम हटा देंगे और इसके जगह एक्स की जगह पे हमें लिखना है 8080, ओके। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 8080, बस हमें इतना ही लिखना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ओके। और इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई और ओके, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद से फिर से हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे इसे हम ओपन करेंगे ये हमारा एक ब्राउज़र में ले जाएगा और यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन कर देगा इसको। तो किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकता है जो आपके लैपटॉप में ब्राउज़र अवेलेबल रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है यहाँ से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इसको आ जाना है लॉगिन। तो लॉगिन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम है और पासवर्ड है, तो आपको वही यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है। तो लाइक मैंने यूजर नेम यहाँ पे लिख दिया SYS और जो पासवर्ड था BOOT, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया। यूजर नेम आप कोई भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो पासवर्ड लाइक मैंने किया 123, तो यहाँ से देख सकते हैं इनवैलिड बता रहा, यानी कि हमें पासवर्ड BOOT ही इंटर करना होगा जो हमने स्टार्टिंग में इंटर किया था। तो मैंने BOOT किया और जब सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका। जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा इसके बाद से आपको यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट हो गया, यानी डेटाबेस हमने क्रिएट किया था SYS यूजर नेम का, ओके। इसके बाद से आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम आपको यहाँ पे करके बताते हैं इसमें कैसे वर्क किया जाता है। तो मैंने आपको डाउनलोडिंग बता दिया, इंस्टॉलेशन बता दिया, कैसे ओरकल को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं।
और करने के बाद इसमें कैसे वर्किंग है अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसकी वर्किंग मेनली कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है वो आप यहाँ से हम बता देते हैं। लाइक यहाँ पे जो डेटाबेस का यूजर नेम है मैंने कर दिया XE, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। और जो एक्सप्रेशन यूजर नेम है इसको भी मैंने किया XE, और जो पासवर्ड है पासवर्ड मैंने कर दिया XE और XE, कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से पासवर्ड यहाँ पे कर देते हैं बूट, और इसका भी जो पासवर्ड है यहाँ पे बूट जो इसका कन्फर्म पासवर्ड यानी कि दो बार यहाँ पे टाइप करना है। और हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका एक वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो मैंने इसे सेव कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्रिएटेड वर्क स्पेस XE टू बिगिन, क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा फिर से। तो यहाँ पे मैंने इसके लॉगिन पर क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। तो पासवर्ड आपको वही इंटर करना जो आपने इंटर किया था, यानी मैंने BOOT सब जगह इंटर किया है, तो BOOT यहाँ पे मैंने इंटर किया, लॉगिन किया, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सारे काम हमें यहीं पे करने होते हैं, सारे काम जो होते हैं ब्राउजर से किए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखा है SQL वर्क शॉप, तो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है इसको। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे सारी फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, और यहाँ पे बाकी जो फाइल्स है यहाँ पे हमें जो कमांड लिखना होता है SQL का, तो यहाँ पे हमें जो इसकी क्वेरी है क्वेरी हम यहाँ से लिखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट स्टार या फिर ST किसको बोलते हैं, तो पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट और SYS डेटा फ्रॉम, तो किससे हमें लेना है वो हमें लेना है यहाँ पे लिख देते हैं डुअल, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ से एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे इसे रन कराएंगे तो जो हमारी क्वेरी रहेगी यहाँ पे प्रोसीड करेगा उसके अकॉर्डिंग, आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग। तो आप लाइक देख सकते हैं, तो मैंने किया सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, तो जैसे यहाँ से हमने किया उसके बाद से जो इसका डेट है यहाँ पे डेट शो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको बाकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम यहाँ से देखते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इसके इस साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है सारा क्रिएट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, टेबल्स हैं सारे क्रिएट टेबल्स, यहाँ पे हम एक न्यू टेबल्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जो भी क्रिएट करना है हमें टेबल। और इसके बाद से हम यहाँ पे बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद यहाँ पे हम इसको फर्स्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो SQL वर्कशॉप यहाँ पे जो है, तो सारे प्रोसेस यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड है, यानी डिपार्टमेंट नेम का है और यहाँ पे EMP नेम का है, सारे यहाँ पे टेबल है। तो अगर आप इस टेबल को देखना चाहते हैं और इसको मैं कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप इसके ये सब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड रहते हैं, तो इसको आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेरी हम लिख के आपको दिखा देते हैं। लाइक यहाँ पे SQL वर्कशॉप है, इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जैसे ही SQL कमांड वाले यहाँ पे लाइन को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो जिस भी टेबल से हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे EMP है, तो मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, तो यहाँ पे जो टेबल यहाँ पे बना रहेगा सारा टेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये तो रहा इस तरह से मेथड, आप यहाँ पे ब्राउज मेथड से यानी ब्राउजर से आप यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है कि यहाँ पे आप कमांड लाइन से कर सकते हैं, कमांड लाइन यानी कि CMD से आप इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा है रन SQL, तो यहाँ पे रन SQL कमांड लाइन इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ये SQL कमांड लाइन है, यहाँ से सारी SQL की क्वेरी यहाँ से भी कर सकते हैं, दो मेथड है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे कनेक्ट XE, तो XE का मैंने यूजर नेम बनाया हुआ था वहाँ पर। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है BOOT, जो मैंने पासवर्ड वहाँ पे इंटर किया था। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड या कनेक्ट हो चुका है। और होने के बाद यहाँ पे हम जो भी टेबल देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम क्वेरी लिखते हैं, तो हम EMP टेबल का हम सारी क्वेरी EMP टेबल हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक या स्टार यहाँ पे लिखते हैं और फ्रॉम EMP, तो EMP टेबल को जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको, तो मैंने एक चीज़ मिस कर दिया यहाँ पे, EMP के बाद हमें सेमी कॉलोन देना होता है, तो इसको हम यहाँ से इंटर कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं। तो
जैसे यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP और सेमी कॉलोन मैंने लगाया। तो लगाने के बाद आप देख सकते हैं जो इसका टेबल है यहाँ पे शो होके आ जाता है, जितना भी टेबल क्रिएटेड है वो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे और करेंगे, और इसके बाद से इसका जो प्रोसेस है सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वर्क करना है। तो होप सो कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे और इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।